हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स और ट्राइंगल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे एंगल्स के बारे में। जब दो झुकी हुई लाइनें एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उनके बीच में एक एंगल बनता है, उसे ही हम एंगल बिटवीन लाइंस कहते हैं। यहाँ पर दो लाइन ए बी और बी सी एक पॉइंट बी पर मिल रही हैं। इन दोनों लाइंस के बीच में जो झुकाव है उसे हम एंगल कहते हैं। एंगल को हम डिग्री में नापते हैं। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहला एंगल है एक्यूट एंगल। जब दो लाइनों के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। यहाँ पर एंगल ए बी सी एक एक्यूट एंगल है जो 0 से 90 के बीच में है। नेक्स्ट है राइट एंगल। जो एंगल पूरे 90 डिग्री का बनता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। इसमें दो लाइंस में जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है उसे हम रेफरेंस लाइन कहते हैं और दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। यहाँ पर एंगल ए बी सी एक राइट एंगल है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जिसमें लाइनों का झुकाव 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। एंगल ए बी सी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। स्ट्रेट एंगल, जो एंगल बिल्कुल सीधा होता है एक स्ट्रेट लाइन की तरह उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वह एंगल होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। लाइन के दोनों तरफ बने हुए एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कहते हैं या फिर दो साथ साथ जुड़े हुए एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी का जोड़ 90 डिग्री है तो एंगल ए ओ सी और बी ओ सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ पर एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी का जोड़ 180 डिग्री है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हुए एक दूसरे के लिए। अब बात करते हैं ट्राइंगल्स और उसके टाइप्स के बारे में। ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होती है जो तीन लाइनों से और तीन एंगल से बनता है। एक ट्राइंगल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कम से कम तीन साइड या फिर दो साइड और एक एंगल या फिर दो एंगल और एक साइड होना जरूरी है। अब बात करते हैं ट्राइंगल के टाइप्स के बारे में। पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड बराबर होती हैं। इसमें बनने वाले तीनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पर साइड ए सी और बी सी बराबर हैं एक दूसरे के। दो साइड इक्वल होने के साथ साथ इसमें दो एंगल भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड अनइक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको
कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो में कमेंट करें ताकि हम आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।